रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी। आज मैं शेयर करूंगी बूंदी की रेसिपी जो बड़ों में इस्तेमाल होती है, चाट में इस्तेमाल होती है। बाज़ार जैसी बूंदी अब हम घर पे बनाएंगे, बाज़ार से कम खर्च में ज़्यादा सारी बूंदियाँ बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पाव बेसन लिया मैंने, इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। ये बेसन हमारा छान चुका है। अब आधा पाव हम मैदा लेंगे, इसको भी छान लेंगे। मैदा और बेसन दोनों हमने छान लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं डालना, 1/2 टीस्पून नमक, और ये 1 पिंच येलो फूड कलर है, कलर के लिए इसे डालना होता है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से कर लें मिक्स। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएं, मिक्स करते रहें इसे। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। इसकी मदद से या हाथों की मदद से आप इसे, अगर आप हाथों की मदद से इसे बनाना चाहते हैं तो आप उंगलियों को आपने ऐसे रखना है और इस स्टाइल में आपने इसे गूंदना है, वरना आप विस्क की मदद से इसे गूंदे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप इसे गूंदे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ना तो पतला करें और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, ये देख लें। अब इसे मैं 3 से 4 मिनट तक इसे विस्क की मदद से गूंद लूँगी। ये देखें हमारे बूंदियों का मिक्सचर गूंद चुका है। अब मैं इसमें आपको डाल के भी दिखाती हूँ। अगर आप इसमें डालेंगे ये इसमें घुलेगा नहीं। ये देखें, ये इसी तरह इसमें घुला नहीं है, तो इसका मतलब आपका मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद हम बूंदियाँ बनाएंगे। ये देखें 1 से 1.5 घंटा हो गया बूंदी की मिक्सचर को बना के रखे हुए। इसे एक दफ़ा हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया। 2-3 तरीकों से आपको बूंदी बनाना सिखाऊंगी। ये केचप की बाटल से मैं पहले बनाऊंगी। अब हम हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे। ये देखें, ये हमारी बूंदी होगी तैयार। इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी सी बूंदी बन गई है। इस पर निकाल लेंगे। इस तरह की एक छन्नी लेंगे, ऐसे इस तरीके से हम इसे में से बूंदी बना लेंगे। ये देखें, ये देखें, इस तरह फेरते रहेंगे, ये हमारी बूंदी तैयार होगी। जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह बना लें। अगर आपके पास बड़े सुराख वाला छन्ना है तो उसमें से आप बना लें, उसमें ज़्यादा बड़ी बूंदी बनेगी। ये देख कितनी अच्छे से कलरफुल हमारी बूंदी बनी है। ये देखिए मेरे पास एक चाबी है बड़े सुराख वाली, अब इसमें से मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देख थोड़े बड़े साइज़ के, इसमें बड़े सुराख हैं तो इसमें थोड़े बड़े साइज़ की बूंदी हमारी बन गई है। थोड़े बड़े सुराख थे तो हमारी बड़े साइज़ की बन गई। ये बूंदी भी हमारी तैयार हो गई है, अब इसे निकाल लें। ये देखो माशाल्लाह से हमारी सारी फुलकियाँ तैयार हो गई हैं, बूंदियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखिए कैसे इनकी आवाज़ आ रही है। फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें बाहर भी रख सकते हैं। 2 महीने तक आपकी ये बूंदियाँ ख़राब नहीं होगी। ये इसकी ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ये देखें माशाल्लाह से एक पाव बेसन से हमारी कितनी ढेर सारी फुलकियाँ तैयार हो गई हैं, बूंदियाँ तैयार हो गई हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।